आशुति वोरा, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। हाल ही में राजधानी दिल्ली में संसद भवन पर हुए अटैक ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया। 13 दिसंबर का वो दिन जिस दिन संसद की सुरक्षा में सेंधमारी करने वाले आरोपी जबरन संसद भवन में घुस गए। संसद पर हुए इस हमले में अभी तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और छठा आरोपी ललित झा फिलहाल अभी फरार है। ललित झा नाम के इस छठे आरोपी की लोकेशन राजस्थान के नीमराना के गंडाला गांव में पाई गई है। बता दें कि ललित झा एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है और कथित तौर पर उसे कई सामाजिक समारोह में भी देखा गया है। हालांकि अब खबर है कि ललित झा के कई एनजीओ से भी लिंक्स हैं और तो और उसका वामपंथी कनेक्शन भी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि यह जानकारी कथित तौर पर इंडिया टुडे से पता चली है कि ललित झा का अपना खुद का एक बेहद बड़ा नेटवर्क है और खासतौर पर यह नेटवर्क पुरुलिया और झाड़ग्राम जिले में पाया गया है। खबर है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल फिलहाल ललित झा की तलाश में जुट रखी है। ललित झा के करीबी सहयोगी और एनजीओ पार्टनर नीलाक्ष आइच से इंडिया टुडे ग्रुप ने बातचीत की है और पता चला है कि संसद बवाल के बाद आरोपी ललित झा ने सबसे पहले उन्हें ही कॉल किया था और साथ ही ये भी पता लगा कि दोपहर 1 बजे व्हाट्सएप के जरिए संसद हमले का वीडियो भी भेजा गया। इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान नीलाक्ष ने ललित के बारे में कई खुलासे किए। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर वो ललित को कैसे जानते हैं, इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा, मैं ललित से इसी साल सेंट्रल एवेन्यू कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में मिला था। मैं उस कार्यक्रम में अतिथि था। ललित ने खुद को एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पेश किया जो पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक कार्य करना पसंद करता है। इसके अलावा उसने कोई अन्य विवरण नहीं दिया। जब पार्टनर नीलाक्ष से पूछा गया कि संसद पर हमले के बाद ललित ने क्या आपसे संपर्क साधने की कोशिश की थी, इस सवाल पर उन्होंने जवाब दिया और कहा, ललित ने मुझे फोन नहीं किया लेकिन उसने मुझे संसद में सड़क के बाहर स्मोक टॉर्चर का उपयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों का वीडियो व्हाट्सएप किया था। उसने मुझे लगभग 1 से 2 बजे के बीच वीडियो भेजा। मैं कॉलेज में था इसीलिए जब मैंने बाद में अपना फोन चेक किया तो मैंने जवाब देते हुए उससे पूछा कि ये विरोध आखिर क्यों किया गया है। इसके बाद उनसे ये सवाल भी किया गया कि आपके और ललित के बीच किसी बातचीत से क्या ये पता चलता है कि वो 13 नवंबर को संसद में अटैक की प्लानिंग कर रहा था। इसका जवाब देते हुए उन्होंने बताया, उन्होंने संसद विरोध के बारे में सीधे तौर पर कभी बात नहीं की लेकिन हमारे संगठन की पंजीकरण प्रक्रिया चल रही थी और हमने दिसंबर में एक बैठक की योजना भी बनाई थी। उसने सिर्फ एक बार ऐसा कहा था कि जो भी बैठक हो वो 12 दिसंबर से पहले हो जानी चाहिए। इसके बाद जब उससे ये सवाल पूछा गया कि आखिर ललित ने आपको कभी बताया था कि उसका कोई राजनीतिक संबंध है, इस सवाल को उन्होंने सीधे तौर पर नकार दिया और कहा कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि आखिर उसका यानी ललित का कोई राजनीतिक लिंक है या नहीं। फिलहाल इन सवालों और जवाबों के सिलसिलों में एक बात तो साफ है कि आरोपी ललित का वामपंथी कनेक्शन है और संसद पर हमला एक सोची समझी साजिश है। बता दें कि सभी आरोपी सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से मिले थे जिसके बाद ये पूरी साजिश रची गई थी। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर और आरोपी ललित झा से जुड़ी इस जानकारी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।